नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाथफाइंडर स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं और पढ़ाई आपकी कैसे चल रही है? जैसा कि मैंने हाई कोर्ट एआरओ 2018 के एग्जाम के बारे में आपसे सिलेबस, बुक्स और स्ट्रेटेजी किस तरह से जो है इसको पढ़कर पास किया जा सकता है, इन सब बारे में पिछले 3 वीडियो में आपसे डिस्कस किया है। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जरूर उसको देख लीजिए, जिससे आप जो है इस एग्जाम के बारे में सभी बेसिक बातों को समझ सकें। तो एआरओ क्या होता है? सहायक समीक्षा अधिकारी या असिस्टेंट रिव्यूइंग ऑफिसर। आप लोगों ने, कई लोगों ने कमेंट में ये पूछा कि जो है सर ये पोस्ट कैसी होती है, इसका क्या स्तर होता है। तो देखिए, ये पोस्ट अगर एक सामान्य तरीके से देखी जाए तो ये एक बाबू की पोस्ट होती है, लेकिन क्लास 3 में ये सबसे अच्छी पोस्ट है, जिससे आप जो है एक ग्रेसफुल लाइफ और एक सम्मानजनक जो है सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके, जो है कार्य कर सकते हैं, और इसमें प्रमोशन के अच्छे चांसेज होते हैं। इसके बाद रिव्यू ऑफिसर, फिर सेक्शन ऑफिसर, तो इस तरह से जो है इसमें प्रमोशन होते रहते हैं, और आप जो है क्लास सी से शुरू करके जो है एक गजेटेड ऑफिसर की रैंक तक जो है आराम से जा सकते हैं इस नौकरी में। तो चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, सभी में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों को जो है अति महत्वपूर्ण माना जाता है, और हमेशा से ये सेवाएं जो है एक आकर्षक सेवाएं रही हैं परीक्षा की तैयारी करने के लिए। तो जैसा कि मैंने पहले आप लोगों से बताया था कि मैं वीडियोस के माध्यम से चैनल पर एआरओ का पूरा सिलेबस कवर करूंगा, जो कि मैंने स्टार्ट भी कर दिया है और उसको लगातार मैं अपडेट भी कर रहा हूं। इसी बीच टेस्ट सीरीज की भी मैंने आपसे बात की थी कि जो लोग टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड हो, अगर चाहे तो जो है इसकी टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च करना चाहते हैं, वो अपना मत दें। तो आप लोग के करीब 250 ईमेल मुझे प्राप्त हुए, उसके बाद जो है 150-200 कमेंट जो है पिछले वीडियोस पर आप लोग के हैं, जो लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट सीरीज के बारे में ही बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज जो है किस प्रकार जो है संचालित होगी और टेस्ट सीरीज का स्वरूप क्या रहेगा। सबसे पहले एक और आप लोग का प्रश्न है, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो देखिए, आज इसकी जो है अंतिम तिथि जो है फाइनली जो है फॉर्म को भरने से लेके और फीस सबमिट करने तक की समाप्त हो चुकी है। अगले 10 दिनों में जो है हाई कोर्ट प्रशासन के द्वारा जो है इसकी तिथि की घोषणा की जा सकती है, और हम ये मान के चलते हैं कि जैसा पहले होता आया है, हाई कोर्ट में जो है बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं दिया जाता है एग्जाम के नोटिफिकेशन और एग्जाम की डेट के बीच में, तो फरवरी में ये एग्जाम कभी भी हो सकता है, ऐसा आपको भी मान के चलना होगा। और फरवरी में अगर ये एग्जाम होता है तो हम उसी लक्ष्य को लेके चलेंगे, जिससे आप जो है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज को देते रहें और साथ में उसकी पीडीएफ्स को जो है पढ़ते रहें, जिससे आपकी पूरी तैयारी हो सके। तो जो लोग अभी तक कोई भी तरह से नियोजित तरीके से इस परीक्षा की तैयारी नहीं शुरू कर पाए हैं, या वो ये सोच रहे हैं कि मैं कौन सा पोर्शन किस बुक से पढ़ूं और कौन सी बुक बेटर रहेगी, हालांकि मैंने सारी बुक्स आपको सजेस्ट कर दी है और जो बेस्ट ऑप्शन इस समय मार्केट में अवेलेबल है मैंने सब बुक्स के बारे में आपको बता दिया है, लेकिन पूरे सिलेबस का एनालिसिस करके लास्ट पेपर जो भी इसके संपादित हुए हैं, आज तक संपन्न हुए हैं, उनको देखते हुए हम लोगों ने जो अपनी एनालिसिस बनाई है उसके आधार पर ही ये टेस्ट सीरीज जो है तैयार की गई है। और जो काम आप करने वाले हैं, यानी आप जो है विभिन्न किताबों को लेंगे और सिलेबस की एनालिसिस करेंगे, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से जो है कम इंपॉर्टेंट हैं, कहां से शुरुआत की जाए, तो ये टेस्ट सीरीज उसके लिए आपको एक सशक्त आधार प्रदान करती है, क्योंकि उसमें वही काम किया है हम लोगों ने जो आप लोग जो है करना चाहते हैं, यानी सिलेबस के एनालिसिस पे उन वाइटल एरियाज को फोकस करना जिन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से उठ के आते हैं, और उनके कंटेंट को संपूर्ण बनाना, जिससे आपका अगर उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन गलत ना हो सके। आप लोगों ने हमेशा से जो है अपने इस चैनल पर और हम लोगों पर बहुत ही भरोसा जताया है, जैसे कि पिछले 4 टेस्ट सीरीज हम लोगों ने अब तक संपादित किया और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है। लगभग 60% हर टेस्ट सीरीज से मटेरियल या कंटेंट आप एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछा गया है। वही प्रयास इस बार भी हमारा है कि हम आपको बेहतर से बेहतर जो है क्वालिटी कंटेंट और अति संभावित प्रश्नों की एक श्रृंखला जो है इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रस्तुत कर सके, और इस टेस्ट सीरीज को
अगर टेस्ट सीरीज ना कहके कोर्स का नाम दिया जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी तक हम कोई ऐसा माध्यम नहीं विकसित कर पाए हैं जिसके माध्यम से हम आपको एक कोर्स करवा सके किसी भी एग्जाम के लिए। तो हमारे पास टेस्ट सीरीज ही है और इस टेस्ट सीरीज को हम इतना व्यापक और इतना परिपूर्ण बनाते हैं अपने इनपुट से कि जो है आपकी बुक्स पर से डिपेंडेंसी जो है बहुत हद तक समाप्त हो सके। अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं जिसमें लगभग 17 टेस्ट हैं, अभी मैं आपके सामने आगे जो है इसका पूरा विवरण बताने जा रहा हूं, तो आपको जो है बहुत भारी भारी बुक्स में अलग अलग बुक्स को जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप हमारा टेस्ट जो है ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, साथ में उसकी जो पीडीएफ है उसको गंभीरता से और अच्छी तरह से पढ़िए और समय समय पर रिवाइज करते रहिए। जैसा कि ग्राम विकास अधिकारी और वन रक्षक परीक्षा और उसके पहले जो भी यूपीपीसीएस की हमारी टेस्ट सीरीज थी, अगर आप उसको देखेंगे तो हमने पूरे के पूरे टॉपिक को जो है एक एक क्वेश्चन के माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर दिया है और डिस्क्रिप्शन या व्याख्या इस स्तर की उसमें हम लोगों ने रखी है कि उस टॉपिक से कोई भी जो है दाएं बाएं से कोई भी प्रश्न आए जो है आपका वो प्रश्न गलत नहीं होने पाएगा, बशर्ते आपने टेस्ट सीरीज को जो है अच्छे से पढ़ा हो, पीडीएफ को अच्छे से लर्न किया हो। तो अब मैं जो है इस टेस्ट सीरीज के बारे में डिटेल में आपके बताने जा रहा हूं कि ये टेस्ट सीरीज है क्या, इसका स्वरूप क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस टेस्ट सीरीज में कुल 17 टेस्ट हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप जो है मेरी बात को समझ पाएंगे। बाद में ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है कि आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं, ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन हमारा जो प्रयास है उसको पूरी तरह से आप देखिए तभी आप जो है बातों को समझ पाएंगे। तो कुल 17 टेस्ट हैं जिनमें से 10 टेस्ट जो है फुल सिलेबस पर आधारित होंगे। फुल सिलेबस का अर्थ क्या है, यानी 200 क्वेश्चन जैसे कि इसमें पूछे जाते हैं, 2.5 घंटे का समय होता है और 200 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन जो है सामान्य अध्ययन या जिसको आप सामान्य ज्ञान भी कह सकते हैं, उसके अलावा 20 प्रश्न हिंदी से, 20 प्रश्न जनरल इंटेलिजेंस से, 10 प्रश्न कंप्यूटर से और 50 प्रश्न सामान्य अंग्रेजी से या जनरल इंग्लिश ग्रामर से। प्रश्नों पर आधारित आपके सामने कुल 10 टेस्ट होंगे और इसके अलावा एक 11वां टेस्ट जो अभी मैं आपको दे रहा हूं यानी डेमो टेस्ट, वो सभी के लिए फ्री है। आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक उपलब्ध है, पीडीएफ फाइल आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरे 11 टेस्ट जो है आपके 200 क्वेश्चन पे बेस्ड यानी फुल सिलेबस पर बेस्ड होंगे। उसके बाद हमने जो एनालिसिस की पिछले साल के पेपरों की और उसके अलावा जो सिलेबस के एनालिसिस की जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा भी की है एक वीडियो में पूरी, तो उसके आधार पर जो है हमने इंडिविजुअल टेस्ट भी डिजाइन किए हैं जिनको हम शुरुआत में लाएंगे। और उसका कारण ये है शुरुआत में लाने का कि आप पहले जो है अपने विषय पर जो है आपकी जो पकड़ है उसको परख सके और आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जो है कौन से एरिया यानी कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हैं जिसमें आपको अभी मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी समय है। आप जो है उन क्वेश्चंस को उनसे आधारित उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको अभी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपनी जो है तैयारी को संपूर्ण कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने 6 इंडिविजुअल टेस्ट रखे हैं। इन 6 इंडिविजुअल टेस्ट में सबसे पहले जो है टेस्ट होगा एक सामान्य अध्ययन का, फिर उसके बाद हिंदी का एक फुल टेस्ट होगा, एक टेस्ट जो है जनरल इंग्लिश का होगा, एक टेस्ट कंप्यूटर और जनरल इंटेलिजेंस को मिलाकर होगा और 2 टेस्ट हमने जो है डिजाइन किए हैं करंट अफेयर्स का। तो ये सभी जो टेस्ट हैं जिनको मैं इंडिविजुअल टेस्ट कह रहा हूं, ये सभी टेस्ट जो है 100 क्वेश्चंस के होंगे जिनमें 100 क्वेश्चन होंगे और वो 100 क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है उनके आधार पर जो है सेलेक्ट किए गए हैं क्वेश्चंस को। और 2 करंट अफेयर्स का टेस्ट ये सबसे लास्ट में यानी जिस दिन हमारी टेस्ट सीरीज खत्म हो रही है, तो 2 और 3 फरवरी को करंट अफेयर्स का जो है टेस्ट लास्ट में होगा। वो टेस्ट 100 क्वेश्चंस के होंगे जिनमें 20 जनवरी तक का कम से कम करंट अफेयर्स पूरा अपडेट पिछले 6-7 महीनों का और सेगमेंट वाइज यानी उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर्स से लगभग 20 क्वेश्चन जो है पिछले वर्षों में पूछे गए हैं एक पेपर में और उनमें से 7 क्वेश्चन जो है
केवल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स पे यानी योजनाओं पर आधारित थे, तो उस पैटर्न को हम फॉलो भी करेंगे जिससे योजनाएं कहीं से भी पूछी जाए आपका कवर हो जाए वो उसमें हम जो है समाहित करेंगे। साथ में 200 क्वेश्चन मतलब फुल टेस्ट में तो आपके जो है करंट अफेयर शामिल होगा ही होगा, उसके अलावा हम जो है 200 क्वेश्चन और एडिशनल इन दो टेस्ट के माध्यम से करंट अफेयर्स के लास्ट में कराएंगे। और लास्ट में रखने की वजह भी यही है कि अगर आपके एग्जाम की डेट निर्धारित हो जाती है फरवरी में तो तब तक का जो है सारा करंट अफेयर्स जो है अपडेटेड आप कवर कर सकें। और करंट अफेयर्स चूंकि एक बड़ा सेगमेंट है तो उससे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना होने पाए। ठीक इसी तरह से इंग्लिश का हमने एक स्पेशल टेस्ट रखा है जिसमें इंडिविजुअल टेस्ट में एक इंग्लिश का टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और उसके अलावा फुल सिलेबस टेस्ट जो 11 टेस्ट है उनमें तो जो है इंग्लिश का जो पोर्शन है यानी 50 क्वेश्चन वो हर टेस्ट में इंक्लूड रहेगा। और उसकी पूरी व्याख्या जो है इस हिसाब से लिखी गई है कि जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं जिन्होंने जिनको अंग्रेजी का जो है बहुत एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है या उन्होंने कंपटीशन लेवल पर अंग्रेजी की पढ़ाई अभी तक नहीं की है तो वो उसकी व्याख्या से उस प्रश्न को समझें। देखिए दोस्तों क्योंकि इंग्लिश मीडियम में जो नहीं पढ़े हैं यानी जो हिंदी मीडियम के छात्र में उनके साथ जो है इंग्लिश एक बड़ी समस्या बन के आती है और जब तक हम किसी भी शब्द का अर्थ हिंदी में नहीं जान पाते हैं तब तक हम एग्जैक्ट उसका ना एंटोनिम बता पाते हैं ना सिनोनिम बता पाते हैं। तो इसीलिए जो है हमने जो इंग्लिश के प्रश्नों की व्याख्या रखी है उसको जो है हिंदी के साथ मिलाते हुए रखिए जिससे आपको जो है उस शब्द की जो है हिंदी भी पता चल सके और आप आसानी से जो है उसके अंग्रेजी में उसका उत्तर दे सके। इसके अलावा एक और जो है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी जो जो है हिंदी के जो है कठिन शब्दों से परेशान होते हैं उनके लिए जो हम लोगों ने कंप्यूटर के क्वेश्चन रखे हैं उनको हम लोगों ने बाइलिंगुअल बनाया है यानी कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे एक तो आपको इंडिविजुअल सीरीज में कंप्यूटर के क्वेश्चंस मिलेंगे उसके बाद फुल टेस्ट में जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे वो बाइलिंगुअल है उसमें हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद प्रत्येक क्वेश्चन का दिया गया है जिससे आपको जो है कंप्यूटर के जो कठिन शब्द होते हैं उसको समझने में कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से जो है उसको समझकर उसका उत्तर दे सकें। तो ये तो जो है रहा कि किस तरह से हमारे टेस्ट डिवाइड हैं यानी हमारी टेस्ट सीरीज में कौन कौन से टेस्ट होंगे। अब बात करते हैं कि ये टेस्ट सीरीज प्रारंभ कब से हो रही। तो पहला टेस्ट हमारा 15 जनवरी 2019 से प्रारंभ होके और अंतिम टेस्ट जो है हमारा 3 फरवरी को संपादित होगा। इसके बीच में अल्टरनेट डेज पे कंटिन्यूअस डेज पे जो है वो हम लोगों ने डिजाइन किया है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए और साथ में जो पीडीएफ लिंक हम आपको फ्री डेमो का प्रोवाइड कर रहे हैं सबसे पहले जो है आप उसको डाउनलोड करिए क्योंकि तभी आप जो है मेरी उन बातों को समझ पाएंगे कि जो मैं कह रहा हूं कि हमारी व्याख्या कैसी है हमारा कंटेंट कैसा है ये सभी आप तभी समझ पाएंगे जब आप जो है हमारे डेमो टेस्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं ये भी कह रहा हूं कि आप इस डेमो टेस्ट को भले आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें या ना करें इस डेमो टेस्ट को पूरा याद कर लीजिए अच्छे से पढ़ लीजिए कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो है इस डेमो टेस्ट सीरीज से आपको मिलेंगे। मैं कम से कम की बात कर रहा हूं बाकी जो है इससे ज्यादा भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। हमारा हर टेस्ट इस टेस्ट से बेहतर होगा ये भी मैं आपसे कह दूं। कुछ लोग के मन में ये भी शंका रहती है कि सर ने दिखाने के लिए बहुत अच्छा सा डेमो टेस्ट डिजाइन कर दिया है लेकिन जो उनके वास्तविक टेस्ट होंगे वो कैसे होंगे। तो आप जो है पुराने किसी भी जो है हमारे विद्यार्थी से जिन्होंने टेस्ट सीरीज को आज तक लिया है किसी भी परीक्षा के लिए आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारा हर टेस्ट डेमो टेस्ट से भी ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि हम हर टेस्ट को पिछले टेस्ट से ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा उसमें कंटेंट ज्यादा से ज्यादा व्याख्या उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए हमने कोई जनसंधि से एक सवाल पूछा या किसी जनजाति के बारे में एक सवाल पूछा तो हम डिस्क्रिप्शन में विश्व की जितनी प्रमुख जनसंधियां हैं उनका पूरा का पूरा ब्यौरा दे देते हैं। इसी प्रकार अगर हमने किसी जनजाति के बारे में क्वेश्चन पूछा कि ये जनजाति कहां निवास करती है तो भारत में और कौन कौन सी जनजातियां हैं किन प्रदेशों में रहती हैं उसका भी पूरा हम ब्यौरा आपको
डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, जिससे आपको केवल एक क्वेश्चन तैयार ना होके कम से कम आप एक क्वेश्चन के बहाने 10 से 15 क्वेश्चंस को तैयार कर सकें। तो हमारा यही प्रयास रहता है और यही हमारी टेस्ट सीरीज की सफलता का सबसे बड़ा कारण रहा है आज तक, कि हमने जो है कंटेंट की जो है संपूर्णता पर विशेष बल दिया है। कोई भी टॉपिक जो हम चूज करते हैं एग्जाम में देने के लिए, उसको हम इस प्रकार से कवर करने का प्रयास करते हैं कि उससे अगर जो है उस क्वेश्चन से हट के कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से हल कर सके और आपको बुक्स में ज्यादा जो है उस टॉपिक को सर्च करने की या उसके बारे में अलग से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। आप डेमो टेस्ट को देखिए, हमारा एक जो है टेस्ट जो फुल टेस्ट होगा 90 से 95 पन्नों में जो है 200 क्वेश्चन को हमने समाहित किया है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 200 क्वेश्चन जो है जब 90 से 95 पन्ने में जो है जा रहे हैं, जबकि फॉन्ट साइज जो है 10 है और जितना स्पेस हम बचा सकते हैं उतना स्पेस हमने बचाया है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे जो है जो कुल 17 टेस्ट हैं जिसमें डेमो टेस्ट भी इंक्लूड है, अगर जो है आपको इनको पन्नों में काउंट करें तो इनकी संख्या कहां तक पहुंच सकती है। तो ये कोर्स या टेस्ट सीरीज कोई वन टाइम टेस्ट नहीं है कि आपने ये लिया इस बार ले लिया आपने पढ़ लिया और उसके बाद हाई कोर्ट एआरओ का एग्जाम निकल गया और आपने इसको उठा के रख दिया। एक बार आप इसको ले लेंगे, एक बार इसको आप प्रिंट आउट करा के रख लेंगे, आप कोई भी एग्जाम आगे देने जाएंगे, यहां तक कि मैं दावा करता हूं कि अगर आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं यूपी पीसीएस का, तो क्वेश्चन का स्तर हमारा ऐसा है कि आप हायर एग्जाम में जाए चाहे लोअर एग्जाम में जाए, हर एग्जाम के पैटर्न को हर एग्जाम की आवश्यकता को ये टेस्ट सीरीज जो है ये पूरी करती है। इसलिए ये चिर स्थाई आपके लिए व्यवस्था है। आप जब तक कंपटीशन या कंपिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे आपको ये कंटेंट हमेशा काम आएगा। इसलिए ये टेस्ट सीरीज जो है आपके भविष्य के सारे एग्जाम्स के लिए भी बहुत अच्छी है और अगर आप इसको लेते हैं तो ये हमेशा ही उपयोगी बनी रहेगी। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए, वहां पर जो है सबसे ऊपर ही आपको जो है एक गूगल ड्राइव फोल्डर का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप जैसे ही उस लिंक को फॉलो करेंगे यानी उस पर क्लिक करेंगे, आप जो है उस लिंक को फॉलो करते हुए डेमो टेस्ट को डाउनलोड कर लीजिए और अगर आपसे संभव हो, अगर आपके पास संसाधन है तो आप जो है उसको प्रिंट करवा के अच्छे से पढ़ लीजिए। आप जज करिए कि जो टेस्ट सीरीज जो डेमो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका स्तर कैसा है, उसका कंटेंट कैसा है, उसकी व्याख्या कैसी है, क्या वो आपके जो है होने वाले इस एग्जाम की जो है आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, क्या वो इसके सिलेबस को फॉलो कर रही है, क्या उसमें जो प्रश्न है उनके आने की संभावनाएं हो सकती है एग्जाम में। तो जब आप इन सभी मानदंडों पे जो है हमारी डेमो टेस्ट को जो है रख लेंगे, उसके बाद आप निर्णय लीजिए कि आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। एक महत्वपूर्ण बात आती है कि टेस्ट सीरीज की प्राइस, तो टेस्ट सीरीज की प्राइस वही है जो एक वीडियो एग्जाम के समय हमने रखी थी। आप जैसे ही जो है डेमो टेस्ट का पीडीएफ का पहला पन्ना खोलेंगे आपको उस पर सारी डिटेल दिख जाएगी, कैसे ज्वाइन करना है, क्या शेड्यूल है, सब उस पर जो है पहले पन्ने पर पूरा विवरण दिया हुआ है। और चूंकि हम क्वालिटी से और क्वांटिटी से और क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी से कोई समझौता नहीं करते हैं, इसलिए हमारा रेट आपको जो है टेस्ट सीरीज की प्राइस जो है हायर लग सकती है, स्वाभाविक है। लेकिन विश्वास मानिए, आप ये टेस्ट सीरीज लेंगे और अगर हमारे कार्य पर आप भरोसा जताएंगे तो आपको इसका बहुत बड़ा लाभ जो है आपके आने वाले एग्जाम में मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा प्रोसीजर है, ये आपके सामने एक नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है 9506742546। आपको इस नंबर पर अपने व्हाट्सएप के माध्यम से ज्वाइन एएचसी का फुल फॉर्म इलाहाबाद हाई कोर्ट और आगे एआरओ इतना लिखना है, ज्वाइन एएचसी एआरओ लिखकर और इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेज देना है। 3 घंटों में आपको जो है पूरा प्रोसीजर, किस तरह से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, क्या प्रक्रिया है और किस तरह से पेमेंट करना है, सारी डिटेल आपके मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएगी। आपकी कोई विशेष क्वेरी हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं, वैसे ये व्हाट्सएप नंबर है
और जो हमारी टीम है उनमें किसी एक के द्वारा ये संचालित किया जाता है। तो आपकी सभी क्वेरीज का जवाब वहां नहीं मिल पाएगा, आप जो है यहाँ पर कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज के बारे में अगर कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले ज्वाइन AHC AR O लिखकर आप इस नंबर पर भेजिए, और टेस्ट लेने की यानी आज से जो है 13 तारीख तक जो है 13 जनवरी तक जो है आप 13 जनवरी की शाम तक जो है आप इस टेस्ट सीरीज में रजिस्ट्रेशन करके सारा प्रोसीजर पूरा करके अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। 15 तारीख को जो है पहला आपको टेस्ट प्रोवाइड होगा। टेस्ट की टाइमिंग के बारे में बता दूं, जो लोग नए हैं उनको जानकारी नहीं होगी पुराने टेस्ट के बारे में, तो हमारा टेस्ट जो है शाम को 8 PM पर लाइव होता है, जो आप ऐप के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से दे सकते हैं। उसका यूजर नेम, पासवर्ड, वेबसाइट का जो है URL एड्रेस और ऐप का लिंक, ये सभी आपको यूजर नेम पासवर्ड के साथ आपके मोबाइल पर 15 तारीख की सुबह तक आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 8 बजे से ये टेस्ट प्रारंभ होगा। टेस्ट समाप्त होने के बाद आपको जो है उस टेस्ट की पूरी PDF जो है आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर के माध्यम से ही भेज दी जाएगी। ऐप में या वेबसाइट पे जिस भी माध्यम से आप टेस्ट देंगे, आप पूरा टेस्ट जो है उसमें आपने कितना स्कोर किया और अन्य लोग जो आपके साथ जो है एग्जाम दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, उनके बीच आपकी क्या रैंक आई, कौन से प्रश्न आपने गलत किए, कौन से प्रश्न आपके सही हुए, ये सारी जो है वहीं पर आपको ऐप में ही या वेबसाइट पर ही शो हो जाएगा। उसके बाद जब आपको PDF मिलेगी, आप अपनी गलतियों को जो है फिर से सुधारिए, अच्छे से उन क्वेश्चंस को, उनके डिस्क्रिप्शंस को पढ़िए और बीच बीच में उसका रिवीजन करते रहिए। बेटर होगा कि आप जो है PDF का प्रिंट आउट निकाल के रखते जाएं और उसको पढ़ते जाएं, जिससे आपके भविष्य में भी जो है हर एग्जाम में वो काम आता रहे। केवल आपको एक बार रिवीजन करने से आपको जो है सारे क्वेश्चन जो है फिर से जो है याद हो जाएंगे। जहां तक जो है टेस्ट सीरीज की प्राइस की बात है, तो मैं पहले ही आपसे निवेदन करता हूं कि उस संबंध में जो है हमने जितना मिनिमम रख सकते हैं उतना ही रखा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 200 क्वेश्चन के फुल टेस्ट है। उसके अलावा जो है हम टोटल आपको 17 टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनकी एक टेस्ट में जो है 90 से 95 पन्ने जो है व्याख्या सहित उसका जो है पूरा PDF बन रही है। तो चूंकि जब क्वालिटी कंटेंट की बात होती है तो वहां पर थोड़ा सा जो है अगर आपको प्राइस हाई लगे तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन हमारी मजबूरी भी है कि हम इससे नीचे नहीं जा सकते हैं। ये जरूर मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, इस बात का जो है मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि अगर आपने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया, ईमानदारी से टेस्ट दिया और पूरी ईमानदारी और लगन के साथ जो है इसकी PDF को पढ़ा, तो आपका जो है लगभग 100% सिलेबस जो है इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही हम कवर कर देंगे। उसके साथ ही आप जो है एडिशनल बुक्स जैसे ल्यूसेंट है या जनरल इंग्लिश की कोई बुक आप जो है आप पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहिए। लेकिन हमारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि जो लोग भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं उनको किताबों में ज्यादा ना उलझना पड़े, हम अपने टेस्ट के माध्यम से यानी हमने अपने इस शॉर्ट कोर्स के माध्यम से आपको जो है कि अच्छी से अच्छी तैयारी जो है करवा सके, जिससे आप कॉन्फिडेंट होकर जो है परीक्षा हॉल में जाएं। और ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जैसे कि पिछले 4 टेस्ट में हमारी परफॉर्मेंस रही है 55 से 60% का एवरेज रहा है हमारी टेस्ट सीरीज से जो है कंटेंट जो एग्जाम्स में आए हैं, उससे भी ज्यादा मेहनत हम इस टेस्ट सीरीज पर कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि पिछले सारे जो है परिणामों से बेहतर परिणाम आप जो है इस सीरीज को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकें। दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आप जो है सबसे पहले डेमो टेस्ट को डाउनलोड करिए, पढ़िए, आपके पास समय है 13 तारीख तक का, आप खुद सोच विचार लीजिए और अन्य माध्यमों से भी आप हमारी तुलना करना चाहते हैं वहां से भी तुलना कर लीजिए। जब आप संतुष्ट हो जाइए कि हमारे टेस्ट में जो है क्वालिटी है और इस एग्जाम को जो है क्वालिफाई कराने की क्षमता रखती है हमारी टेस्ट सीरीज, तो आप जो है ज्वाइन AHC AR O लिखकर इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप के माध्यम से भेजकर अपना जो है पंजीकरण कराकर प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करें। बाकी चैनल पर जिस तरह से पढ़ाई चल रही है उसको मैं वैसे ही कंटिन्यू रखूंगा। या जो कमिटमेंट है आपके साथ में कि मैं वीडियोस के माध्यम से भी
जो है पूरे कोर्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। जो मैंने हर एग्जाम में किया है वही इस एग्जाम में भी मैं करूंगा। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि वीडियोस के माध्यम से जो है मैं आपका कोर्स कंप्लीट कर दूं। इसलिए आप सबसे पहले सुपर सीरीज वीडियोस को जरूर देख लीजिए, क्योंकि जिन चीजों को मैं पढ़ा चुका हूं उनको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इसके अलावा मंडी परिषद और पीपीएससी आरओएआरओ मेंस, इनके बारे में भी आप लोगों ने टेस्ट सीरीज के लिए जो है निवेदन किया है, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी बहुत जल्दी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।